दर जान सुजान के आए हैं नहीं तेज कोई लजपाल मिला सारी दुनिया छान के आए हैं चा आए गए कासा मिल खैरात पसी बस ईह के मान ते आए हैं अज सब कत रज रज पिन खिन सू कहीं बस दे भान ते आए हैं बोलो सुभान अल्लाह अज सब कत रज रज पिन खिन सू कहीं बस दे भान ते आए हैं अल्लाह जल्ल जलाल व अम्मा नवाल व तम्मा बुरहान व आजम शान की हमद सना हुजूर सरवर कायनात मफखर मौजूदात जीना के बज़्म कायनात हम ये बेकशां गम गुसार जमा अहमद मुजतबा चला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को हरदार में हदीयत रोज सलाम का नजराना अर्ज करने के बाद दुआ है कि अल्लाह को तबारा का वाताला हम सब का मिल बैठना अपनी पाक बारगाह में शर्फे को हुदियत अता फरमाए और अल्लाह को तबारा का वाताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम ये महफिल मीराज शरीफ के हवाले से है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे नाजूस को कलमतुल हक बयान करने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात के अंदर मबऊस फरमाया और करीम रब ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात के अंदर सराता मौजा बनाकर भेजा है। साबका अंबियाए किराम तशरीफ लाए किसी नबी को करीम रब ने एक मौजा अता फरमाया दो मौजे अता फरमाए तीन मौजे अता फरमाए लेकिन कुर्बान जाऊं जब तेरे और मेरे नबी प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो करीम रब ने एक मौजा नहीं बल्कि फरमाया सोनिया हमने तुझे सर से लेकर पांव तक इस कायनात के अंदर सरापा मौजा बनाकर भेजा है। और प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको करीम रब ने इस कायनात के अंदर सराता मोइजा बनाकर भेजा लेकिन दो बड़े अजीम मोइजे अता फरमाए एक मोइजा मियराज वाला और दूसरा मोइजा कुरान करीम वाला। और इसी माह मुकद्दस के अंदर 27 रजब शरीफ को प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मियराज शरीफ हुई आपने अपने माले के हकीकी का दीदार फरमाया और दूसरा मोइजा करीम रब ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम वाला अता फरमाया। साबका अंबियाए किराम इस कायनात के अंदर तशरीफ लाए किसी नबी को करीम रब ने किताब अता फरमाई सहीफा अता फरमाया लेकिन वो किताबें और सहीफे उनके अंदर रदो बदल हो गई कुफार ने अपनी तरफ से कुछ अल्फाज उन किताबों के अंदर बढ़ा दिए कुछ अल्फाज कम कर दिए वो किताबें महफूज न रही लेकिन कुर्बान जाऊं कुरान करीम ऐसी मुकद्दस और महफूज किताब है क्योंकि करीम रब ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून फरमाया बेशक हमने कुरान करीम को खुद ही उतारा है व इन्ना लहू लहाफिज़ून और हम खुद ही इस कुरान करीम के महाफिज हैं। कुरान करीम की जिम्मेदारी जिम्मे करम करीम रब ने अपने जिम्मे करम पर लिया है और कुरान करीम ऐसा अजीम मोइजा है
कि प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक के अंदर कुफारे मक्का ने कुरान को देखा, कुरान को सुना, कुरान को पढ़ा, तो जब उन्होंने देखा कि ऐसे मुकद्दस अल्फाज और ऐसे अजीम अल्फाज जो सुनने से फौरन ही दिल में उतरते हैं, तो कुफार ने जब कुरान को पढ़ा, कुरान को सुना, तो कुरान का दामन थाम कर प्यारे मुस्तफा करीम की जात मुबारका पर ईमान लिया। और फिर 1400 साल गुजरने के बाद हमारी जिंदगी के अंदर हमने प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़ाहिरन देखा नहीं, हमने सहाबाए किराम की जिंदगी को नहीं पाया, हमने फकत कुरान करीम का दामन थामा, कुरान करीम को देखा, कुरान करीम को खोला, जब हमने कुरान करीम की तफसीरें पढ़ी, कुरान करीम को उठाया, हमने प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, आपके मकाम और मर्तबे को देखा, पढ़ा, सुना, फिर हम भी 1400 साल के बाद प्यारे मुस्तफा करीम की ज़ात मुबारका पर ईमान लेकर आए। और फिर ये कुरान करीम सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं कि हम 1400 साल के बाद आपकी ज़ात मुबारका पर ईमान लेकर आए, नहीं, बल्कि कुरान करीम ये ऐसा अजीम मौजज़ा है, ऐसी मुकद्दस किताब है कि कयामत तक आने वाले लोग जो भी कुरान का दामन थामेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को सुनेंगे, कुरान के साथ वाबस्ता होंगे, वो भी मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पर ईमान लेकर आएंगे। साहिब, ये है प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान करीम वाला अजीम मौजज़ा। और फिर प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तो शान ही बड़ा है, आपको करीम रब ने बड़ी अजमत के साथ नवाजा है, जहां तक के फरमाया, सोनिया अगर मैं तुझे पैदा ना फरमाता, आपको हमने इस कायनात के अंदर भेजना ना होता, हत्ता कि हम इस कायनात को भी ना बनाते, हम मखलूकात को पैदा ही ना करते, यहाँ तक के प्यारे हबीब हमने अगर तुझे पैदा ना करना होता, हमने अगर इस दुनिया के अंदर तुम्हें ना मबऊस फरमाना होता, हत्ता कि हम अपने रब होने को भी जाहिर ना फरमाते। प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान है भी वरा और वरा। आइए देखते हैं कि आपकी उम्मत की क्या शान है, आपकी उम्मत को करीम रब ने क्या मुकाम मर्तबा अता फरमाया है। कुर्बान जो प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के तौरात के अंदर जिक्र आया, इंजील के अंदर, जबूर के अंदर, जो सबक अंबियाए किराम को किताबें अता की गई, उनके अंदर जब अंबियाए किराम ने इस उम्मत के तज़किरे पढ़े, इस उम्मत के मकाम और मर्तबे को पढ़ा, तो वो उम्मत, वो अंबियाए किराम दुआ करने लगे कि रब्बे करीम ये उम्मत हमें अता कर दे, जिस उम्मत की इतनी शान है। तो करीम रब ने फरमाया, नहीं, तुमको हमने नबी बनाकर इस कायनात के अंदर भेजा है, ये जो मैंने उम्मत रखी है, मैंने ये उम्मत अपने प्यारे हबीब के लिए ही रखी है। फिर अंबियाए किराम ने दुआ की कि रब्बे करीम हमसे नबुव्वत वापस ले ले, अपने प्यारे महबूब का उम्मत ही बना दे, जिसकी एक एक उम्मत ही की ये शान है। करीम रब ने अंबियाए किराम आपकी उम्मत बनने के लिए दुआएं मांगते रहे, लेकिन कुर्बान जो करीम रब ने हम पर कितना बड़ा फजल फरमाया, कितना बड़ा एहसान फरमाया कि हमारे दिल के अंदर ख्याल ही ना आया, हमारे जहन के अंदर सवाल ही ना आया, बगैर दुआ मांगे, बगैर इल्तिजा किए करीम रब ने हमें प्यारा हबीब अता फरमाया। और फिर प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम के अंदर इरशाद फरमाया, फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें मुबारक हो के तुम हमारी ज़ात मुबारका पर ईमान लेकर आए, तुम ईमान लेकर आए, तुम्हारे लिए मुबारक हो, लेकिन उनके लिए 7 बार मुबारक है जो बगैर देखे मेरी ज़ात पर ईमान लेकर आएंगे। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है जिनके लिए 7 बार मुबारक है? फरमाया कि वो मेरे उम्मती हो गए, तुम भी मेरी ज़ात पर ईमान लेकर आए हो, लेकिन तुमने हमारी तरफ पत्थरों को, दरख्तों को झुकते हुए देखा, तुमने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा, तुमने सूरज डूबे हुए को वापस पलटते हुए देखा, फिर मेरी ज़ात पर ईमान लेकर आए। लेकिन कुर्बान जो आखिर के अंदर मेरे ऐसे भी गुलाम आएंगे, ऐसे उम्मती आएंगे, ऐसे मेरे साथ मोहब्बत करने वाले आएंगे, जो मुझे देखे नहीं गे, बगैर देखे फकत मेरे तज़किरे सुनेंगे, मेरे मौइज़ात को पढ़ेंगे, पढ़कर सुनकर मेरी ज़ात पर ईमान लेकर आएंगे, उनके लिए 7 बार मुबारक। तो प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दामन के साथ जो भी वाबस्ता हुआ, करीम रब ने उसे क्या शान अता फरमाई? आइए साहिब, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कौन सैयदना सिद्दीक अकबर
कि जो भी आदमी किसी के साथ मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उस पर माल दौलत खर्च करता है, लेकिन कुर्बान जो सैयदना सिद्दीक अकबर की वो जात है जिन्होंने प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस दर्जे की मोहब्बत की, इस दर्जे का प्यार किया कि आपने अपना सारा माल भी प्यारे मुस्तफा करीम की जात मुबारका पर कुर्बान किया, अपनी जान भी आपकी जात मुबारका पर कुर्बान की, अपनी औलाद भी आपकी जात मुबारका पर कुर्बान की। वो सैयदना सिद्दीक अकबर जिनके बाप भी सहाबी, खुद भी सहाबी है, और आपके औलाद भी सहाबी है, आपके पोते भी सहाबी है, और फिर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु जिनका जो साबका माह मुकद्दस गुजरा है, उसी माह मुकद्दस की 22 तारीख को आपका विसाल मुबारक है। और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु जब प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो सैयदना सिद्दीक अकबर भी साथ थे। तो प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार के अंदर पहुंचते हैं, गार के करीब पहुंचे तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैं गार के अंदर जाता हूँ, जाकर गार की सफाई करता हूँ, और फिर बाद में आप यहाँ पर तशरीफ ले आए। कुर्बान जो सैयदना सिद्दीक अकबर गार के अंदर तशरीफ लेकर जाते हैं, गार की सफाई करते हैं, और देखते हैं गार के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर ने उन सुराखों को बंद किया, फिर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाइए। प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने थोड़ी देर गुजरने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे प्यास लगी है। प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिद्दीक जाओ गार के अंदर सामने नहर है, पानी पीकर वापस आ जाओ। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ये भी तो अर्ज कर सकते थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार तो वही है जिसकी मैंने सफाई की है, तो फौरन चल पड़े। आगे जाते हैं, सामने नहर है, आपने पानी पिया, पानी पीकर वापस तशरीफ लाए तो कुर्बान जो प्यारे मुस्तफा करीम ने फरमाया, सिद्दीक पानी कैसा था? अर्ज करते हैं, वल्लाहु अअलमु व रसूलु, या रसूलल्लाह अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है, अबू बकर नहीं जानता कि पानी कैसा था। या रसूलल्लाह पानी शहद से भी ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था, अंबर से ज्यादा खुशबूदार था। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नहीं जानता कि पानी आया कहाँ से है। प्यारे मुस्तफा करीम ने फरमाया, अबू बकर तुम्हें मालूम नहीं कि जब तुम यहाँ से चले पानी पीने के लिए, करीम रब ने उधर फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों जन्नत से नहर निकालो, गार के अंदर ले जाओ, मेरे महबूब का यार अबू बकर पानी पीने के लिए आ रहा है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने जब ये बात सुनी तो तड़प उठे, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू कुहाफा का बेटा सिद्दीक अकबर आपके कदमों के अंदर आकर ये मुकाम पा गया कि जन्नत से हमारे लिए दुनिया के अंदर पानी पीने के लिए नहरें आती हैं। प्यारे हबीब ने फरमाया कि अबू बकर ये कोई बड़ी बात नहीं है, करीम रब ने तुझे इससे भी ज्यादा बुलंद बाला मकाम अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जिसने ईद मिलाद उन नबी, सरकार की आमद, अंकार की आमद, अजमत व शान मुस्तफा। प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन के साथ जो वाबस्ता हुए, उनको करीम रब ने बड़े मकाम मर्तबे के साथ नवाजा है। एक मर्तबा प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान के लिए जा रहे थे, किसी गजवे की तैयारी कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल को तलब किया, फरमाया कि अपनी हस्ब तौफीक के मुताबिक माल लेकर आओ, जान के लिए जाना है। तो तमाम सहाबा किराम माल लेकर आए। उस दिन सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल के अंदर ख्याल आया कि आज मैं प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल देकर जंग के लिए अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा। दिल के अंदर ख्याल आया और माल को घर से उठाया, प्यारे मुस्तफा करीम की खिदमत अकदस में हाजिर हो जाते हैं। प्यारे मुस्तफा करीम ने फरमाया, उमर जरा ये बताओ कि घर के अंदर क्या छोड़ कर आए हो? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधा माल आपकी खिदमत अकदस के अंदर पेश किया है, आधा माल अपने घर के अंदर बीवी बच्चों के लिए छोड़ कर आया हूँ। इतनी देर के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए, प्यारे मुस्तफा करीम ने फरमाया, अबू बकर घर के अंदर क्या छोड़ कर आए हो? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के नाम को ही छोड़ा है,
बाकी सारा माल उठाकर आपकी खिदमत अक्दस के अंदर पेश कर दिया। हत्ता के दिन सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपने जिस्म से लिबास उतार कर वो भी आपकी खिदमत अक्दस के अंदर पेश कर दिया और खुद टाट का लिबास जेबे तन फरमाया। यहाँ पर शायर क्या कहता है कि हर कठ को देख के ठक चींदी, हर कठ को देख के ठक चींदी, मता मिल पोवे कहीं मेल दे विच, वो नहीं मिलदा उंदा जिक्र ते है दिल रज पौदा है ई खेल दे विच। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह थोड़ा नाम पका थोड़ा नाम जपा हर वक्त उवेल सुवेल दे विच, नाशाद वन तन ते त्राय लीरा वो भी देन आया अजवेल दे विच। इतनी देर के बाद हजरत जिब्रील अमी हाजिर होते हैं। वो जिब्रील अमी जो मलाइका के सरदार थे, उन्होंने भी टाट का लिबास पहना हुआ था। वो जिब्रील अमी जो कुरान के भी हाफिज थे, तौरात के भी हाफिज थे, इंजील के भी हाफिज थे, जबूर के भी हाफिज थे और फरिश्तों के सरदार है, उन्होंने भी टाट का लिबास पहना हुआ था। यार मुस्तफा करीम ने फरमाया जिब्राइल आज तुमने भी टाट का लिबास पहना है, वजह क्या है? तो हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ नजर उठाओ, फकत हमने टाट का लिबास नहीं पहना बल्कि आपके यार अबू बकर के टाट पहनने की ये जो लिबास आपने टाट का पहना है ये अदा करीम रब को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि करीम रब ने आज तमाम फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि फरिश्तों आज तुम भी टाट का लिबास पहन लो। साहब ये है सैयदना सिद्दीक अकबर, ये वो सहाबा किराम की मुक्तदर हस्तियां हैं जिन्होंने प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थामा, आपकी दहलीज पर झुके, आपकी जात मुबारक पर ईमान लेकर आए, आपकी जात मुबारक पर हर चीज कुर्बान की, तो फिर करीम रब ने ये शान अता फरमाई। प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त घर से बाहर तशरीफ लेकर आ रहे थे, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा को सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही खुशी की हालत में है। तो अर्ज करती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक बात सुनो। प्यारे मुस्तफा करीम ने फरमाया आयशा बताओ क्या बात है? अर्ज करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक ने मुझे हुक्म दिया था कि जब प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी की हालत में हो मेरे लिए भी मफरत की दुआ करवाना, अपने लिए भी मफरत की दुआ करवाना। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम नवाजी फरमाओ मेरे बाप अबू बकर के लिए और मेरे लिए मफरत की दुआ फरमा दो। कुर्बान जो प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत भरे हाथ उठाए और अर्ज की कि ऐ रब्बे करीम मेरी आयशा को मेरे अबू बकर को जन्नत भी आता फरमाना और इन्हें इज्जतें भी आता फरमाना। जब उम्मुल मोमिनीन ने यह बात सुनी तो आंखों से आंसू आ गए, आप सारों कतार रोने लगी। प्यारे मुस्तफा करीम ने फरमाया आयशा रोने की क्या बात है? तो अर्ज करती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने आज मेरे लिए और मेरे बाप अबू बकर के लिए इतनी बड़ी दुआ कर दी। तो कुर्बान जो प्यारे मुस्तफा करीम ने फरमाया कि आयशा ताज्जुब की बात रही है, मैं रोजाना दिन के अंदर सुबह भी शाम भी दो मर्तबा अपनी कयामत तक पूरी आने वाली उम्मत के लिए ये दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम कयामत तक मेरी आने वाली उम्मत को इज्जतें भी अता फरमाना, उन्हें जन्नतें भी अता फरमाना। मगते खाली हाथ न लौटे, मगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम, उनके करम की बात न पूछो। साहब ये है दर रिसाला, ये है प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के साथ प्यार और मोहब्बत। प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक्दस में एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा तो सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा ये फरमाओ कि आपकी उम्मत के अंदर कोई ऐसा शख्स भी है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हो। तो प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ आयशा, वो मेरे सहाबी हजरत उमर बिन खत्ताब हैं जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। तो आप परेशान हो गए। प्यारे मुस्तफा करीम ने फरमाया आयशा परेशान होने की क्या बात है? अर्ज करती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो ये समझा कि आप मेरे बाप अबू बकर के बारे में फरमाएंगे कि आपकी नेकी आसमान के बराबर होंगी। प्यारे मुस्तफा करीम ने फरमाया आयशा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है, लेकिन अबू बकर की एक गारे सौर वाली नेकी उमर की तमाम नेकियों पर भारी है। साहब ये है सैयदना सिद्दीक अकबर। यहाँ पर शायर क्या कहता है
तक सारे यार हुजूर दे सुने ने सुभान अल्लाह सारे यार हुजूर दे सुने ने यार गार दिया क्या बातां ने कीता प्यार नबी नो बड़िया कीता प्यार नबी नो बड़िया ने इंदे प्यार दिया क्या बातां ने कीता प्यार नबी नो बड़िया ने इंज प्रीत नबी नल लाइए कोई चीज न कोने बचाइए कोई चीज न कोने बचाइए ए जज्बा वेख उमर बोले ए जज्बा वेख उमर बोले साडे यार दिया क्या बातां ने कीता प्यार नबी नो बड़िया ने कीता प्यार नबी नो बड़िया ने इंदे प्यार दिया क्या बातां ने कुर्बान जो प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीम रब ने ये शान आता फरमाई आपकी शान के अंदर मेरे रब का कुरान बोलता है फरमाया या अय्युहन्नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात के अंदर करीम रब ने शाहिद गवाही देने वाला बनाकर भेजा खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा डर सुनाने वाला बनाकर भेजा आखिर इतना मकाम इतना मर्तबा देने का मतलब क्या था फरमाया सोनिया तुझे शाहिद भी असनीय बनाया मुबशर भी असनीय बनाया नजीर भी असनीय बनाया ताकि लोग तेरे मकाम को तेरे मर्तबे को रिफातों को बुलंदियों को देखकर मैं रब की रबूबियत पर भी ईमान ले आए तेरी मुस्तफाई पर भी ईमान ले आए। प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तीन दिन बाद एक आदमी कब्रे अलवर पर हाजिर होता है आकर अर्ज करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम नवाजी फरमाए अपनी जान पर जुल्म कर बैठा हूँ गुनाह कर बैठा हूँ जुल्म करके आया हूँ या रसूल अल्लाह करीम रब का ये वादा गए वलौ अन्नहुम युअलमु अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा या रसूल अल्लाह करम नवाजी फरमाओ तो सहाबा किराम फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम जब वो आराबी कब्र अनवर पर हाजिर हुआ कब्र अनवर के साथ निपट कर हजारों कतार रोने लगा तो कब्र अनवर से आरा आवाज आई जा आराबी करीम रब ने तुम्हारी मफरत फरमाई है तुम्हें बख्श दिया है। साहब ये है जरे रिसाला कि प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल के बाद भी अपने गुलामों की मदद फरमाते हैं। हजरत फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है वो फरमाते हैं कि जब प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ तो हमने देखा कि आपको जब कब्र अनवर के अंदर हमने आपको रखा तो हमने देखा कि आपके होंठ मुबारक हरकत कर रहे हैं जुम्बिश कर रहे हैं। हजरत फजल बिन अब्बास फरमाते हैं हमने कान लगाए तो प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबाए मुबारक हिल रहे थे और आवाज यही आ रही थी रब्बी हबली उम्मती रब्बी हबली उम्मती क्या रब्बे करीम मेरी उम्मत की मफरत फरमा ऐ रब्बे करीम मेरी उम्मत की मफरत फरमा। साहब वो कितने करीम कि पूरी जिंदगी अपनी उम्मत की मफरत की दुआ फरमाते रहे और बाद अल-विसाल भी अपनी उम्मत की मफरत की दुआ फरमा रहे हैं। साहब ये है दर-ए-रिसालत
और आखिरी बात करके इजाजत, प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना उम्मत को आपकी जात मुबारका की वजह से मुकाम और मर्तबा मिला है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी अपनी उम्मत के लिए मगफरत की दुआ फरमाते रहे, लेकिन प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कोई सवाल नहीं किया, ये नहीं फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत पर एहसान किया है कि मेरी वजह से उम्मत को ये शान मिली है, ये मुकाम और मर्तबा मिला है कि तमाम उम्मतों से ये अफजल उम्मत है। और प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त एक चीज का ही सवाल किया है, वो है क्या? फरमाया कि तुमने मेरी आल के साथ मोहब्बत करनी है। प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल वो कौन लोग हैं? तो हर एक को मालूम है कि वो प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले हैं, वो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत किराम है, जिनके बारे में मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ाखा फाजिल बरेली अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत किराम में से हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम, जिनकी विलादत बासआदत इसी माह मुकद्दस के रजब शरीफ की 13 तारीख को आपकी विलादत बासआदत है, कौन हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम, जिनकी नमाज असर कजा हो, सूरज डूबा हुआ प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारा करने के साथ वापस पलट आए, कौन हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम, जिनके बारे में प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसे मुबारका है, फरमाया अबिल हमराई قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر الى ادم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراهيم في حلمه والى يحيى بن زكريا في زهده والى موسى بن عمران في بطشه وفي روايه اخر والى يوسف في جماله فلينظر الى علي بن ابي طالب। हजरत अबू हमरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अरादा अय यनजुरा इला आदम फी इल्मिही, मन अरादा जो शख्स ये इरादा करता है, ये तमन्ना करता है, ये आरजू रखता है कि वह इला आदम फी इल्मिही कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म को देखूं, व इला इब्राहीम फी हिल्मिही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हिल्म को बुर्दबारी को देखूं, व इला मूसा बिन इमरान फी बच्चिही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जाहो जलाल को देखूं, आपके जलाल को देखूं कि आपके अंदर जलाल कितना था, व इला यूसुफा फी जमाल ही और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के जलवों को देखूं कि आपको करीम रब ने कितना हुस्न अता फरमाया था, फरमाया वो करे क्या, फरमाया फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, वो हजरत अली बिन अबी तालिब को देख ले। साहब ये है हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम, जिनको करीम रब ने ये शान और मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। तो प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम का, आपकी जात मुबारका का और आपकी अहले बैत किराम का हम जिक्र करते हैं और उनके फजाइल को बयान करते हैं, शायद कभी हमने ये भी देखा है कि उन मुक्तदर हस्तियों को करीम रब ने ये जो मकाम अता फरमाया है, जिस मकाम पर वो पहुंचे हैं, उन्होंने जिंदगी के अंदर अमल क्या किया है, उन्होंने किस तरह अपनी जिंदगी मुबारक गुजारी है, साहेब उन्होंने दामन मुस्तफा को थामा, आपकी जात मुबारका के साथ वाबस्ता हुए, उन्होंने अहादीस मुबारका पर और कुरान करीम को पढ़ा और उस पर अमल किया, फिर करीम रब ने उन्हें ये शान अता फरमाई है। तो साहेब इन महाफिल का मकसद क्या होता है? ऐसी जो महाफिल होती है इनके अंदर आने का मकसद ये होता है कि आदमी आए, कुरान करीम अहादीस मुबारका बुजुर्गा ने दीन के अकवाल को सुने और फकत सुनने की हद तक न रखे, फकत ये आए और कान के साथ सुना और दूसरे कान से बात को निकाल दिया। नाना साहेब हमेशा ये मामूल न बनाए, अपनी जिंदगी का मामूल ये बनाए कि जो भी आदमी आए आपको कुरान और हदीस के मुताबिक कोई बात कहे तो जो बात अच्छी लगे उसको अपने दामन के अंदर ले ले और उसको अपने दिल के अंदर बिठा ले कि ये बात कुरान करीम के मुताबिक है, ये हदीस मुबारका के मुताबिक है, हमने अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी है। साहेब हमारे मुआशरे के अंदर आज जिल्लत और रुसवाई क्यों है?
आखिर इसका सबब क्या है, रीजन क्या है? साहब सबब यही है कि हमने दामन कुरान को छोड़ा और नमाज का दामन छोड़ दिया। नमाज हमारे हर घरों के अंदर नहीं है, कुरान करीम की तिलावत हमारे घरों के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से औलादें बिगड़ जाती है, बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं होती। हजरत इमाम हुसैन, इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप करबला के अंदर तशरीफ लेकर गए और उस वक्त कितना मुश्किल वक्त था कि इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपको जब शहीद किया गया तो उस वक्त नमाज असर का वक्त था, आप नमाज की हालत में थे और हालत नमाज के अंदर आपको शहीद किया गया था। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू आने लगे तो उन बदबख्तों ने यह समझा कि इमाम आली मुकाम रो रहे हैं खौफ की वजह से, लेकिन आपने करीम रब की बारगाह में दुआ की ऐ रब करीम मेरी नमाज असर कजा हो रही है, पूरी जिंदगी हमने बाजमात नमाज अदा की है, आज नमाज तो पढ़ रहा हूँ लेकिन तनहा पढ़ रहा हूँ, आज मैं नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ रहा, लेकिन कुर्बान जो फिर करीम रब ने क्या शान अता फरमाई, करीम रब ने फरमाया कि ऐ हुसैन परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने घर के अंदर भी नमाज पढ़ी और सफर के अंदर भी नमाज पढ़ी, जब मक्के के अंदर नमाजें पढ़ाते रहे तो आप हाजियों के इमाम थे और जब मदीने शरीफ के अंदर आप नमाज पढ़ाते रहे तो वहां पर सहाबा किराम के इमाम थे, लेकिन कुर्बान जो जब करबला के अंदर तशरीफ लाए आपने वहां पर नमाज पढ़ाई तो आप फकत इंसानों के इमाम नहीं थे बल्कि उस वक्त आपके पीछे जो नमाज पढ़ी वो रब के रहमत वाले फरिश्ते थे। साहब ये है इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने अपनी जिंदगी प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ गुजारी है और दामन इस मुस्तफ़ा के साथ वाबस्ता हुए तो फिर करीम रब ये शान अता फरमाता है। साहब इसलिए अपनी जिंदगी के बदले आए दामन मुस्तफ़ा के साथ वाबस्ता हो जाए, दर रिसालत पर आ जाए, कुरान करीम और हदीस मुबारक के साथ वाबस्ता हो जाए, कुरान करीम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, यकीन जाने जिंदगी का सुकून ही कुछ और है, दीन के साथ जिंदगी गुजारे इसका सुकून ही कुछ निराला है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान करीम और अहादीस मुबारक के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।